आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, मिल्लत का पासवां है मोहम्मद अली जिना, बानी पाकिस्तान। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की जिंदगी जुर्रत, अंतक मेहनत, दयानतदारी, हक गोई का हसीन इम्तिजाज थी। बरे सगीर की आज़ादी के लिए बाबा एक कौम का मौकिफ दो टोक रहा। ना कांग्रेस इन्हें अपनी जगह से हिला सकी और ना ही अंग्रेज सरकार इनकी बोली लगा सकी। क्रिसमस का त्यौहार, चार सू खुशियों की फुहार, मसीही बरादरी खुशी से सरशार। मसीही बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस मना रही है। गिरजा घरों को बरकी कुमकुमों, क्रिसमस ट्री से सजा दिया गया। सांता क्लॉज बने बच्चों की एक दूसरे को मुबारकबाद। गिरजा घरों में मजहबी गीतों की तकारीब का इनेकाद। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। क्रिसमस पर मसीही बरादरी खुशी से सरशार। सेंट एंथनी चर्च, सेंट मैरी चर्च, इंटरनल लाइफ चर्च, मरियम चर्च में तकरीबात का एहतमाम। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने दुआया तकरीब में शिरकत की। सेंटा क्लॉज के साथ साथ चर्च में क्रिसमस ट्री को भी लाइट्स लगाकर सजाया गया। मसीही बरादरी के लिए लोड शेडिंग फ्री क्रिसमस का तोहफा। वजारत तवानाई के पावर डिवीजन ने क्रिसमस पर मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान कर दिया। लेस्को एरिया में बिजली की लोड मैनेजमेंट खत्म कर दी गई। तब्दीली आ गई हुकूमत का, जनूबी पंजाब के शहरों में काबीना इजलास मुनक्किद करने का फैसला। 29 दिसंबर को सरदार उस्मान बुजदार बहावलपुर में काबीना इजलास की सदारत करेंगे। तर्जमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं, जनूबी पंजाब में काबीना इजलास का मकसद तख्ते लाहौर के नारे की नफी करना है। फैसले का मकसद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर सुनना है। तब्दीली सरकार के होते हुए भी पुलिस तशद्दुद की रवायत बरकरार। सब्जाजार के इलाके में पुलिस तशद्दुद से नौजवान का सर फट गया। पुलिस की नौजवान पर तशद्दुद की फुटेज लाहौर न्यूज ने मौसूल कर ली। ओवरटाइम के नाम पर सरकारी खजाने पर बोझ बनने वाले नरगे में आ गए। वासा मुलाजमीन को ओवरटाइम देने के लिए नए एसओपीज जारी। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर मुलाजमीन ओवरटाइम काम नहीं करेंगे। सितंबर 2017 में दायर हुआ, दिसंबर 2018 में फैसला हुआ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद, 3 अरब 47 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 बरस तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल। एहतसाब अदालत का अल-अज़ीज़िया और हेलमेटल की जायदाद जब्त करने का हुक्म। नवाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। हसन और हुसैन नवाज मफरूर करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ बरी करार। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने 19 दिसंबर को महफूज किया फैसला सुना दिया। नैब का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला। अडयाला के बजाय लाहौर जेल मुंतकिल करने की नवाज शरीफ की दरखास्त मंजूर। नवाज शरीफ की कोर्ट लखपत जेल मुंतकली। आज जेल में ही सालगिरह मनाएंगे। महकमा दाखिला के अहकाम पर नवाज शरीफ को भी क्लास दे दी गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस और रेंजर्स को तैनात करने के अहकाम जारी। चलो चलो कोर्ट लखपत जेल चलो, लीगी कारकुनों को भी कायद के इस्तकबाल की हिदायत। आमिर जान पार्क, सुन्नत नगर के मकीनों का देरीना मसला हल।
डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नए ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर दिया। वजीर सेहत बोली, आवाम के मसाइल हल करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अमली इकदाम कर रही है जिसके असरात से शहरियों को इस्तफादा हासिल होगा। पीटीआई की हुकूमत का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। हल्के के दरीना मसाइल हल करवाएंगे। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की जानिब से न्यू मजंग समनाबाद में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल करवाने की यकीन दहानी। और हजरत मौज दरिया बुखारी के 3 रोजा और उसकी तकरीबात जारी। जायरीन की जोग दर जोग दरबार पर हाजिरी। फातह खानी जिक्र अस्कार की खसूसी महाफिल का भी इनेकाद।